वर्ल्ड चैंपियन कह लें इनको या बॉडी बिल्डिंग की एक नया फेस कह लें इनको। जैसे मैंने अपने 3 जिम की कुर्बानी दी हुई है, गाड़ी की दी हुई है, मैं 2-2.5 करोड़ रुपए लगा चुका हूँ। ये प्रो कार्ड जो बोलते हो ये होता क्या है? प्रो कार्ड ऐसी एज बताओ कि एक्सरसाइज भाई इस एज के बाद से आपको स्टार्ट। तो कहता है मैगी खाओ तो बॉडी बनती है, तो क्या वो गलत है या सही है? मेरी वाइफ जो है वो भी कहती है ये मेडिसिन ये इंजेक्शन इंडिया की कब बजा। अस्सलामुअलैकुम सब्सक्राइबर, मैं आज आपने स्टार्ट में मेरा ही चेहरा देख लिया। आज हम एक पहली बार किसी सेलिब्रिटी के साथ हम लोग अपना एक छोटा सा इंटरव्यू कर रहे हैं। सबके लिए ये बहुत फेमस बंदा होगा, सबके लिए ये बहुत एक फ़ख्र पाकिस्तान है, बट मेरे लिए ये मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त और मेरा क्लासमेट, और हमने एक ही क्रिकेट टीम में खेला है, मैं इसका कैप्टन भी रह चुका हूँ, तो एक हमारी जो रिस्पेक्ट है, प्लस हम स्कूल के थ्रू हम सब एक गैदरिंग हमारी है जिसका नाम है उस्मान पब्लिक स्कूल। अब मैं आपका सस्पेंस ख़त्म कर रहा हूँ, आपका जो हमारे वर्ल्ड चैम्पियन कह लें इनको या बॉडी बिल्डिंग की एक नया फेस कह लें इनको जो यंग जनरेशन में आ गया है, रमीज इब्राहिम खान। डिस्टर्ब तो नहीं करा? नहीं कोई मसला। आपकी ट्रेनिंग या आप ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे? नहीं मैं भी नहीं कर। अच्छा ये सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, कर भी रहो तो बुला लेना। अच्छा तो और सुनाए जिम कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जिम सेट जा रहा है, लाइफ सेट है। ये दिल से बोल रहे हैं या सच सच? बिल्कुल आज सच बताना। बस समझे कि जब इंसान को कोई सफ़र तय करना होता है, कोई बड़े मुकाम पे पहुंचना होता है, बड़े लेवल पे कोई अचीवमेंट चाहिए होती है, तो उसके पीछे आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए होते हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हुई होती हैं। लाइक जैसे मैंने अपने 3 जिम की कुर्बानी दी हुई है, गाड़ी की दी हुई है, तो कमाया भी इसी फील्ड से था अल्हम्दुलिल्लाह, और लगा भी इसी पर दिया, लेकिन कोई गम नहीं। आज मैं हिस्ट्री बनाने वाला पहला शख्स हूँ पाकिस्तान का जिसने वर्ल्ड में 3 गोल्ड मेडल लिए, एक प्रो कार्ड जीता वर्ल्ड लेवल पे, और तीनों कैटेगरीज में पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया, जो शायद अगले 10-15-20 सालों में शायद कोई रिकॉर्ड ये तोड़ ना सके। लड़के तो जा रहे हैं डिफरेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, लेकिन अब तक कोई गोल्ड मेडल लेकर नहीं आया, क्योंकि ये एक आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। मैं बता रहा हूँ इसके पीछे समझे मैं 2-2.5 करोड़ रुपये लगा चुका हूँ 7 सालों में, तब जाके मैं इस लेवल पे और इस मुकाम पे पहुँचा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये प्रो कार्ड जो बोलते हो ये होता क्या है? प्रो कार्ड कोई चैंपियनशिप है, कोई ट्रिपल एच की बेल्ट है, या वहाँ जाके WWE में लड़ सकते हो, क्या होता है? प्रो कार्ड का मतलब होता है प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल हो गए, यानी आपको अब वाडा जो है डोपिंग कमेटी वो चार्ज नहीं करेगी। अच्छा अब आप किसी भी तरह का स्टेरॉइड्स लेके और हैवी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। अच्छा प्रो लेवल की किसी भी प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप बड़े स्टेज पर जाओगे तो वो आपको कम्पीट डेफिनेटली आप नेशनल डाइट पे तो नहीं कर सकते। एक होता है एमेचर एथलीट, एक होता है प्रो एथलीट। तो जो एमेचर एथलीट होते हैं उनको स्टेरॉइड्स अलाउ नहीं होते, उनके डोपिंग चेकिंग चेकिंग। तो मैं था पहले एमेचर एथलीट, जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ मैंने वहाँ प्रो कार्ड जीता, तो अब मैं प्रोफेशनल एथलीट, तो अब मैं नेक्स्ट जो भी पार्ट लूंगा वो प्रोफेशनल सीरीज में। अच्छा रमीज ये बताओ यार, अब मैंने एक्सरसाइज शुरू करी थी जब मैं इंटर में था, शायद तुमने भी इंटर में शुरू करी थी, यार ये जो नए बच्चे आते हैं इनकी बॉडी ग्रोथ होती नहीं है, बॉडी मैच्योर नहीं होती, या डाइट सही नहीं होती, या ये प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, या कोई ऐसी एज बताओ कि एक्सरसाइज भाई इस एज के बाद से आपको स्टार्ट। देखिए एक्सरसाइज की तो एज हमारी यहाँ काउंट होती है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो 13-14 साल के बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज नहीं कराते, कद छोटा रह जाएगा, इस तरह की वो मिथ उनके जहन में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बच्चा जब 12-13 साल का हो जाए तो आप उसको जिम भेजें और वहाँ पे कुछ स्ट्रेचिंग्स करवाएं, पुशअप्स करवाएं, हैंगिंग करवाएं, उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, ठीक है, वो वेट लिफ्टिंग ना करे उसमें।
मैंने जो बॉडी बिल्डिंग एक्चुअली सही से स्टार्ट की थी वो 18 साल की उम्र से की थी। वैसे मैंने 16 साल मैट्रिक के पेपर ख़त्म हुए थे और मैंने जिम जाना शुरू कर दिया था, तो उस तरह मैंने जिस एज में किया तो मुझे तो उसके मजीद फ़ायदे हुए, कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो बच्चों को आजकल रिजल्ट नहीं आ रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो नई जनरेशन है इसकी डाइट नहीं है सही। ये लोग मैगी खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं। यार वो तो एक है एक्स वाई जेड, वो तो कहता है मैगी खाओ तो बॉडी बनती है, तो क्या वो गलत है या सही? वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैगी के अंदर जो है वो इतना बॉडी फैट, इतना फैट होता है, इतना फैट होता है, टोटल फैट और गंदा तरीन फैट है। तो मैगी वालों ने ज्यादा पे कर दिया, उन्होंने झूठ बोल दिया। बस वो अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। उसके अंदर गुड फैट्स नहीं होते, वो गंदे फैट्स होते हैं उसके अंदर। और मैगी खाने से सबसे ज्यादा टमी बाहर आती है लोगों को। अच्छा। सबसे ज्यादा फैट बॉडी में जो आता है आर्टिफिशियल फैट है, वो नुकसानदेह वाला फैट है। नुकसानदेह है, एक अच्छा फैट होता होगा। हाँ, गुड फैट्स जो है वो इतना नुकसान नहीं देते, वो सेहत के लिए जरूरी भी होता है। अच्छा, हमारे यहाँ जनरेशन जो है वो स्पेशली कराची के अंदर इनके रूटीन्स बहुत आउट है। मैट्रिक होने के बाद जब ये कॉलेज में आते हैं तो बच्चे कॉलेज तो जाते ही हैं, तो अब उनका रूटीन ये है कि रात में उन्होंने जागना है, सुबह उन्होंने उठना है 2 बजे 1 बजे, फिर उन्होंने जो है खाना पीना खाना है। और खाने के टाइम पे वो नाश्ता करते हैं, फिर शाम को वो चाय के टाइम पे, स्नैक्स के टाइम पे वो लंच ले रहे हैं, फिर आधी रात को वो खाना खा रहे हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म जो है ना सही से वर्क नहीं कर रहा। पहली सवाल है आधी रात जाग क्यों नहीं, ये भी। आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ही ऐसी एक्टिविटीज, और जो आने वाली जनरेशन, अब जैसे छोटे बच्चे आ रहे हैं, आप उनको देखें कि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज है 6 ईयर से लेके 12 ईयर तक, वो मोबाइल में लगे हुए हैं। उनके पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हम बच्चे को कोई एक्टिविटी कराएं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको मार्शल आर्ट्स कराएं, उसको स्विमिंग कराएं, उसको क्रिकेट खिलाएं, उसको फुटबॉल खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, या कुछ नहीं तो उसके साथ डेली बाहर खेलें। कम से कम उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है। शुरू से आप उसके खून में डालेंगे तो वो खेलेगा, अदरवाइज वो बड़ा होके जो है वो अपना नुकसान करेगा, वो फिर गेमर ही बनेगा, गेम कंप्यूटर टीवी के सामने बैठ के, मोबाइल के सामने, और उसने कुछ नहीं करा। तो ये सबसे बड़ा अहमिया है। आज हमारे वक्त में तो क्रिकेट होती थी, बैडमिंटन होता था, हमने किस लेवल पे क्रिकेट खेलती, हमारे हाथ सूख जाते थे ऐसे ही, तो बैडमिंटन होता था, फुटबॉल होती थी, हम हर सीजन में हर चीज खेलते थे। कोई हम स्विमिंग पूल जाते थे, उस वक्त बड़ा सस्ता होता था, हम जाते थे करीब में स्कूल में एक स्विमिंग पूल होता, वहाँ जाके स्विमिंग करते थे, तो हर चीज हमने करी। अब बच्चों को चाहिए, आने वाली जनरेशन को, ये सब एक्टिविटीज भी करें। और जिम जो भी बच्चे आ रहे हैं और उनको ये शिकायत है बॉडी नहीं चेंज हो रही, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उसके ये रीजंस मैंने बताए। तुम चेंज करने के लिए तुम प्रो जो है वो क्या कब इस्तेमाल करोगे? प्रो बिल्कुल, मेरे पास जो बच्चे आते हैं, जो लड़के आते हैं, उनको उससे फायदा होता है। 10,000+ मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की है, जिसमें ऑनलाइन भी है, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है, लोकल क्लाइंट्स भी है, यहाँ के लोग। किसी को ऑनलाइन लेनी हो तो मेरा कोड, मेरा नाम लेके इनसे 50% डिस्काउंट ले, या ऑनलाइन आपको दे देगा भाई 50% को डन है। हालांकि मुझे सिर्फ ने 20% दिया, मैं आपको 50% दे देगा। बाकी अच्छा ये बताओ, लेट सपोज के लोग कहते हैं ये दवाइयाँ, जैसे मेरी वाइफ जो है वो भी कहती हैं ये मेडिसन, ये इंजेक्शन, इससे आपकी मतलब बर्थ रेट पर इफेक्ट पड़ता है, या आपकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, या नुकसान होते हैं इन फ्यूचर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और चौथा होने वाला है। तो बात यह है कि स्टेरॉइड्स का सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल, ये 2 पहलू हैं। स्टेरॉइड्स के अंदर कुछ चीज़ें वाटर बेस्ड हैं, कुछ चीज़ें ऑयल बेस्ड हैं। जो ऑयल बेस्ड होती हैं वो 18 महीने बॉडी में रहती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं वाटर बेस्ड, वो डेली बेसिस से बॉडी से निकल जाती हैं। स्टेरॉइड्स का अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं तरीके का, तो वो स्टेरॉइड्स आपको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि इसकी एक प्रिकॉशन है। इस पर पानी ज़्यादा पीना है, इस पर लाल मसाला नहीं खाना है, इस पर आपने जो है वो इतने वीक्स ये करना है, ठीक है, इतने वीक्स आपने ये करना है, उसके ज़्यादा आप एक्सेस देंगे तो आपको नुकसान होगा। अच्छा, आप अगर कोई देख रहा है लड़का के यार रमीज़ भाई दो एम एल लेते हैं या 4 गोलियां खाते हैं, तो मैं 6 खाऊंगा या 3 ml लूंगा तो मैं उनसे ज़्यादा बॉडी बना लूँगा, तो
हर बॉडी वेट के हिसाब से, हर फिजिक के हिसाब से चीजें डिजाइन होती हैं। इनका पूरा एक साइंस है पूरी, इसके लिए एक एजुकेटेड ट्रेनर होना जरूरी है जो ये काम करवा रहा है, यूज करवा रहा है, जो भी है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इसमें जो लोग ये सोचते हैं कि इससे जो है वो स्ट्रेंथ खराब हो जाती है, मैन पावर खराब हो जाती है, तो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ कि जो एक प्रोफेशनल एथलीट होता है या स्ट्रेंथ या स्टेरॉइड्स लेने वाला एक जो खिलाड़ी होता है या जिम में कोई लड़का कोर्स कर रहा है स्टफ सप्लीमेंट्स का, तो वो आम आदमी से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आम आदमी से ज़्यादा हर चीज़ उसकी परफेक्ट होती है, बल्कि आम आदमी और उसकी स्ट्रेंथ में ज़मीन और आसमान का फर्क होता है। आम आदमी के अंदर टेस्टोस्टेरोन अगर इतने हैं तो हम आपको टेस्टोस्टेरोन दे रहे हैं तो आप यहाँ पर हैं, तो टेस्ट काउंट में आप ऊपर हैं। जब आप टेस्ट काउंट में ऊपर हैं तो आप के बर्थ पे भी कोई इशू नहीं आना है, बर्थ में भी हो सकता है कि आपके ट्विंस हो जाए, सही है, बर्थ में हो सकता है कि आपके यहाँ जो है वो आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो इस बंदे से जो नॉर्मल है इससे बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें ये सारी फजूल बातें, हाँ रेयर केसेस में ऐसा हुआ, गलत यूज किया स्टेरॉइड्स को, गलत इस्तेमाल किया, क्वालिटी वाइज भी सही नहीं हुआ, दो नंबर पानी लगा दिया, दो नंबर चीजें इस्तेमाल कर ली, उससे क्या हुआ उनके जो है वो टेस्टोस्टेरोन डिहाइड्रेट हो गए, उनको जो है वो बर्थ का इशू आ गया, उनके यहाँ जो है वो और भी इशू आए। तो इसका भी एक प्रॉपर वे होता है, जब ये कोर्स हो जाता है उसके बाद होता है पीसीडी। पीसीटी ये होता है कि जिसके अंदर हम पोस्ट साइकिल थेरेपी उसको कहते हैं, उसके अंदर हम ब्लड क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, आपकी बॉडी को वॉश आउट करते हैं, उसके अंदर सारा कुछ जो आपने यूज किया होता है वो फौरन निकालना होता है बॉडी से, तो वो हम निकाल देते हैं। और उसमें जैसे कि प्रेग्नेंट लड़की होती है, जब वो डिलीवरी हो जाती है उसकी, तो उसके बाद जो है उसको हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तो उस हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए जो चीज कराई जाती है वही सेम बॉडी बिल्डर को कराई जाती है, ठीक है। तो बॉडी बिल्डर जो होता है वो पीसीटी करने के बाद जो है वो उसके हार्मोन जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कुछ लोगों की ये मिथ है कि वो बनता नहीं है, वो बनना शुरू हो जाता है दोबारा से। मतलब ये होता है कि वो लोग बोलते हैं कि जब आप अपने ओरिजिनल टेस्टोस्टेरोन को छेड़ेंगे तो वो दोबारा बनेंगे नहीं, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो ऐसा कब होता है, जब आपने गलत यूज किया। लेकिन इसकी अगर आप इस पैटर्न पे चलेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो नुकसान नहीं है, और क्या कहते हैं एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर आप करते हैं तो इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई ऐसा कोई खास नुकसान नहीं है। लोग असल में देखें स्टेरॉइड्स के दो तरीके हैं, एक है प्रोफेशनल का लेना, अब जैसे मैं प्रोफेशनल हूँ मेरी मजबूरी है, मैंने तो लेना ही लेना है, अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं पांच में भी नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि दुनिया के पांच एथलीट जो टॉप फाइव में आएंगे वो लेकर आएंगे, ठीक है, तो मेरी मजबूरी है मैंने लेना है, सही है। स्टेरॉइड्स जब मैं लूंगा तो मेरा जो अमाउंट होगा लेने का और मेरी जो चीजें होंगी वो बहुत डेंजरस होंगी, बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी, उसके मुझे आफ्टर इफेक्ट्स भी होंगे, मुझे पता है कि 40 क्रॉस करने के बाद मुझे हार्ट अटैक हो सकता है और सारे मामला हो सकते हैं स्टेरॉइड से, क्योंकि मैं एक दलदल में गिर चुका हूँ। अच्छा, प्रोफेशनल दलदल कहलाता है ये, एक प्रोफेशनल गार है जिसके अंदर मैं जा चुका हूँ, जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, मैं अपना कार्डियो करता हूँ, अपनी डाइट का ख्याल रखता हूँ, और मेरा माइंड प्रिपेयर है इस चीज के लिए कि मैंने जो चीज कर ली है उसका मुझे आगे जाके नुकसान होना है, लेकिन वो मुझे होना है क्योंकि मैंने बहुत हैवी अमाउंट का स्टेरॉइड्स लिया है, सही है। लेकिन जो अगर माइनर से कोई साइकिल्स कर रहे हैं, छोटे मोटे साइकिल्स कर रहे हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, तो उसको इस साइकिल से ना मिलाए, उसको इससे ना मिलाए, उसको ये ना कहे कि ये स्टेरॉइड्स लेना गलत है। डॉक्टर्स भी जो है माजरत के साथ स्टेरॉइड्स बगैर बताया आपको स्टीरॉइड्स देते हैं बुखार से ही करने के लिए, कोई ऐसी डिजीज जो फौरन से ही करनी होती है स्टीरॉइड से ही होती है। तो मोस्टली आप देखें जब आप पेशेंट हैं और किसी बड़े हॉस्पिटल से इलाज करा रहे हैं, जब आपका इलाज कंप्लीट हो जाएगा तो जिन लोगों का बॉडी वेट गेन हो जाता है तो वो समझ जाएंगे डॉक्टर्स ने उनको स्टेरॉइड यूज करें। रमी सब ये बताएं आखिरी सवाल, अगर आपको अगर यहाँ विजिट करना हो, इनसे कोई एडवाइस लेनी हो या एडमिशन ट्रेनिंग
सब आप ये करवाएंगे। अच्छा ये बताओ लास्ट चीज, इंडिया की कब बजाएंगे? अब वर्ल्ड की तो बजा दी, एक एक जो अपने आप को वर्ल्ड समझता है उसको कब बजाएंगे? इंशाल्लाह इंडिया मेरा नेक्स्ट ईयर में प्लान है, मैं जा रहा हूँ कम्प्लीट करने, और शायद अगर वीज़ा आ जाता है तो मैं ज़रूर जाऊँगा इंडिया में कम्प्लीट करने। लेकिन इंडियन स्पोर्ट्स के जो लोग हैं और इंडियन एथलीट्स हैं वो इंडिया की आवाम से बहुत डिफरेंट हैं। अच्छा, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी सपोर्ट, उनका साथ, वो इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे कि आप उन फर्क लगता ही नहीं है। हम तो मैं जब भी टूर्स में गया इंटरनेशनल तो सबसे ज़्यादा जो प्यार मिला वो इंडियन से। वो तो इंडियन तो कोई टेंशन नहीं, बस ये होता है कि एक विक्ट्री होती है। हाँ, एक दिल से खुशी होती। इंडिया अगर यहाँ जीतेगा तो उसको बड़ा वो होगा कि पाकिस्तान में जीता, मोस्ट वेलकम। हाँ, और पाकिस्तानी अगर इंडिया में जीतेगा तो एक बड़ा एक ये बड़ी विक्ट्री होगी। जाहिर है आज तक ये भी कोई नहीं कर सका अभी, इंशाल्लाह आप करेंगे, ये रिकॉर्ड आपके लिए रखा है। इंशाल्लाह चले, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपके साथ। इंशाल्लाह जब आपके पास टाइम हो तो हमें याद कीजिएगा, वरना बड़े बड़े चैनलों में तो आप मिल ही जाएंगे। ठीक है, चले मिलते हैं, बहुत शुक्रिया रमीज़ आपने टाइम दिया।